नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जानसद मुजफ्फरनगर से चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब दोस्तों? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन विषय के अंतर्गत आज के सेशन में हम क्वांटम नेचर ऑफ लाइट का अध्ययन करेंगे। क्वांटम नेचर ऑफ लाइट के लिए हमने दो सेशन रिजर्व किए हैं, जिसमें सेशन वन में हम आज शुरू करेंगे क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। अगर दोस्तों, अगर आपको याद हो, जब हमने लाइट के बारे में अध्ययन किया था, लाइट एज एन अ वेव एंड लाइट एज एन अ पार्टिकल, तो उस समय हमने देखा था कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर की होती है, जिसमें कभी कभी इट्स बिहेव लाइक अ वेव एंड कभी इट्स वेव लाइक अ पार्टिकल। तो क्वांटम, जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अध्ययन, लाइट का एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमने लास्ट सेशन में अध्ययन कर लिया है, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। तो क्वांटम नेचर ऑफ लाइट, इट टेल्स अस दैट बोथ लाइट एंड मैटर कंसिस्ट ऑफ टिनी पार्टिकल्स। क्वांटम थ्योरी को जब हम अध्ययन करें, क्योंकि हमने बताया था कि लाइट के लिए हम जनरली तीन तरह की थ्योरी पढ़ते हैं, रे कॉन्सेप्ट थ्योरी, देन वेव थ्योरी एंड क्वांटम थ्योरी। तो जहां पर वेव थ्योरी, रे ऑप्टिक्स थ्योरी या वेव थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती, वहां पर हम क्वांटम थ्योरी अप्लाई करते हैं। और क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि लाइट और मैटर, जो भी मटेरियल होती हैं, वो दोनों ही क्या है, एक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं, विच हैव वेव लाइक प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टी वेव की तरह होती है। जैसे कोई भी वेव जब प्रोपेगेट करती है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वही सेम प्रॉपर्टी लाइट और मैटर की भी होती है। उनके जो दो दोनों ही चीजें, लाइट और मैटर, दोनों ही एक टिनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिनकी प्रॉपर्टी वेव की प्रॉपर्टी की तरह ही होती है। तो वेव प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद देम, यानी कि उनमें जो है वेव प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइट इज कंपोज ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन। तो जनरली हम जब कह रहे हैं कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल, टिनी पार्टिकल से मिलकर बनाए, उन टिनी पार्टिकल्स को, छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, फोटोन्स कहते हैं। एंड मैटर इज कंपोज ऑफ पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैटर के लिए हम कहते हैं कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब आपने मटेरियल्स को अध्ययन किया था, जब आपने ईसीडी सब्जेक्ट पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, उसमें जब भी आपने मटेरियल का अध्ययन किया होगा, तो आपने कहा होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए जनरली आपने पढ़ा है, किसी भी एटम के चारों ओर जो है ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रोटेट करते थे, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स उसके न्यूक्लियस में होते हैं। ये हम ऑलरेडी अध्ययन केमिस्ट्री के अंदर और किसी भी मटेरियल को अध्ययन करते वक्त आप पढ़ चुके हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि लाइट जो है वो टिनी पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिन्हें हम प्रोटॉन कहते हैं, और मैटर जो बनी है वो टिनी पार्टिकल से, वो पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। इट्स ओनली व्हेन द मास ऑफ अ पार्टिकल गेट्स स्मॉल इनफ दैट इट्स वेव लाइक प्रॉपर्टीज शो अप। तो इट्स ओनली व्हेन, यानी हम ये कहते हैं कि जब कोई भी टिनी पार्टिकल है, जब उसका मास एक स्मॉल लेवल से कुछ अधिक बढ़ जाता है, यानी उसकी जो एक क्रिटिकल वैल्यू है, उस वैल्यू से एक मास बढ़ जाता है, तो इट्स वेव लाइक प्रॉपर्टी, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एक वेव की तरह हो जाती है। देन इन ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, जनरली वेव रिप्रेजेंट अ लाइट इन द फॉर्म ऑफ वेव। यानी ट्रांसमिशन ऑफ लाइट की जब हम बात करते हैं, तो उसमें लाइट को हम एक वेव की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। ऑल्दो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ लाइट एंड मैटर, लाइक इन डिस्पर्सन, इन एमिशन एंड इन एब्जॉर्प्शन। हालांकि हम जब डिस्कशन करते हैं, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट के इंटरेक्शन की बात करते हैं, एंड मैटर, लाइट एंड मैटर जब इंटरेक्शन की बात करते हैं, लाइट और मैटर की, तो लाइक इन डिस्पर्सन, जिसमें डिस्पर्सन की बात करते हैं, इन एमिशन, जहां से लाइट एमिट होती है, एंड एब्जॉर्प्शन, इन प्रॉपर्टीज का हम जनरली अध्ययन करते हैं। तो द पार्टिकल थ्योरी एंड वेव थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल, देन वे मूव टुवर्ड्स क्वांटम थ्योरी। जैसे हमने कहा कि कहीं कहीं कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती थी जहां पर हम पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते, रे थ्योरी, रे कॉन्सेप्ट थ्योरी और वेव थ्योरी जहां अप्लाई नहीं होती, वहां पर हम क्वांटम थ्योरी अप्लाई करते हैं। तो हम उसमें टुवर्ड्स द क्वांटम थ्योरी मूव करते हैं। क्वांटम थ्योरी शोज दैट पार्टिकल एंड वेव प्रॉपर्टीज ऑफ ऑप्टिकल रेडिएशन साइमल्टेनियसली। क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि पार्टिकल एंड वेव प्रॉपर्टीज ऑफ ऑप्टिकल रेडिएशन साइमल्टेनियसली, यानी कि क्वांटम थ्योरी के अनुसार पार्टिकल और वेव
दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो साथ साथ रेडिएशन ऑप्टिकल रेडिएशन में साथ साथ एप्लीकेबल होती हैं। वी ऑब्जर्व पार्टिकल नेचर ओनली व्हेन लाइट एनर्जी एमिट्स और एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स और क्वांटा। यानी कि हम ये कहते हैं कि इसी लाइट की पार्टिकल नेचर जो है हम जब भी ऑब्जर्व करते हैं जब कभी लाइट या तो कहीं से एमिट होती है या कहीं लाइट एब्जॉर्ब होती है। यानी कि लाइट का जो एज ए पार्टिकल जो नेचर है वो दो ही कंडीशन होता है, जब उसमें एब्जॉर्प्शन हो या जब उसमें एमिशन हो, उन फॉर्म में ही केवल उसमें एज ए फोटोन एक इन द फॉर्म ऑफ फोटोन हम उसको ये मानते हैं पार्टिकल नेचर में, जब उसमें लाइट एनर्जी या तो एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। प्रैक्टिकली इट इज ऑब्जर्व दैट फोटोन एनर्जी इज ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन अ फ्रीक्वेंसी। प्रयोगात्मक रूप से यह देखा गया है कि हमेशा जो लाइट एनर्जी है या फोटोन की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। टू मेजर दिस फ्रीक्वेंसी वी यूज वेव प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब जब हमें इस फ्रीक्वेंसी को मेजर करना, जब किसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी, जब किसी फोटोन की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, तो अगर हमें उस फ्रीक्वेंसी को मेजर करना है तो हमें उसकी वेव प्रॉपर्टीज का अध्ययन करना पड़ेगा। द रिलेशन बिटवीन फोटोन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी इज एज फॉलोज। तो E इज इक्वल टू एच न्यू, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फोटोन एनर्जी एंड द फ्रीक्वेंसी। यहां पर E इज अ फोटोन एनर्जी है, H इज अ प्लैंक कांस्टेंट और न्यू या V इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। सो H न्यू, तो वेयर H इज अ प्लैंक कांस्टेंट 6.625 इंटू 10^-34 जूल सेकेंड, दिस इज दी प्लैंक कॉन्स्टेंट। सो दिस इज दी बेसिकली कॉन्सेप्ट विच वी हैव स्टडी टिल नाउ। जैसे पहले हमने पढ़ा था रे ऑप्टिक कॉन्सेप्ट, जब रे ऑप्टिक कॉन्सेप्ट का हमने अध्ययन किया था तो हमने वहां पर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का अध्ययन किया था, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। देन दूसरा हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्सेप्ट में हमने वेव प्रोपोगेशन का अध्ययन किया था, जिसमें हमने ये कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेव प्रोपोगेशन तीनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर होगा और जो वेव प्रोपोगेशन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दोनों के 90 डिग्री पर होगी। देन हम अब जो इस लेक्चर में डिस्कस करें दैट इज अ क्वांटम थ्योरी कॉन्सेप्ट। क्वांटम थ्योरी कॉन्सेप्ट हम क्या कहते हैं, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विद फाइबर मटेरियल। यानी इसमें जो अध्ययन करते हैं हम कि हम जो लाइट का जो फाइबर मटेरियल है उसके साथ क्या इंटरेक्शन है, जब वो किसी फाइबर मटेरियल पर इंसिडेंट होती है तो उसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आता है या डिस्पर्सन कैसा होता है, उसका एमिशन क्या होता है एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एमिशन की हम बात करें तो एमिशन जहां से लाइट इनिशिएट होती है, एमिट होती है, उसे एमिशन बोलते हैं। जब लाइट किसी भी बॉडी के द्वारा, किसी मटेरियल के द्वारा किसी एक मीडियम में एब्जॉर्ब होती है तो उसे एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और एक डिस्पर्सन है, डिस्पर्सन को आप ऑलरेडी फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब जो पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती है, एक व्हाइट लाइट है, जब इस व्हाइट लाइट से आप इसे एक प्रिज्म से पास करते हैं, ग्लास प्रिज्म से पास करते हैं, तो इट विल कन्वर्टेड इन मोनोक्रोमेटिक लाइट, जिसके लिए आपने विबजियोर वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, जिसमें विबजियोर में वी आई बी जी बाई ओ आर, यानी V फॉर वॉलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। तो जो एक व्हाइट लाइट है वो 7 कलर्स में, मोनोक्रोमेटिक लाइट के डिफरेंट 7 कलर्स में वो कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो प्रोफिनोमेना है दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सन। जब किसी व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट का मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्जन इज कॉल्ड डिस्पर्सन। इसी को अगर आप हम एक एनिमेटेड देखें, एनिमेशन देखें इसका, तो लाइक दैट कि ये एक व्हाइट लाइट जब इस प्रिज्म पे जाती है तो जब ये प्रिज्म से बाहर आती है तो इट विल डिवाइडेड इन 7 कलर्स विबजियोर, जिसमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, आपको सातों कलर दिख रहे होंगे। तो ये लाइट इस तरह से इसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो दिस इज द डिस्पर्सन। तो जब हम क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं तो इसमें हम डिस्पर्सन, एमिशन और एब्जॉर्प्शन इसका हम अध्ययन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।